नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। राजधानी भोपाल के बेरागढ़ सिविल अस्पताल में आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी एवं विधायक रामेश्वर शर्मा ने बेरागढ़ सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए विश्व फाउंडेशन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग को 2 ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किए थे, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार और बेरागढ़ सिविल अस्पताल में प्लांटों का लोकार्पण आज किया गया। प्रदेश में फैल रहे लगातार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने कहा कि हम अलर्ट हैं और व्यवस्था की जा रही है। जहाँ भी डेंगू पाया जा रहा है वहाँ सर्वे टीमें जारी हैं और सर्वे कर रही हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर जब पत्रकारों ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से सवाल किया तो उस पर मंत्री जी भागते हुए नजर आए। साथ ही सागर मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर द्वारा अधिकारियों पर उठाए सवाल पर भी मंत्री जी ने चुप्पी साध ली। जूनियर डॉक्टर के सवाल पर चुप्पी साधी प्रभुराम चौधरी ने। हाँ, निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण का जब दूसरी लहर आई तो उस लहर ने दुनिया को और भोपाल को, हम सबको भी डरा दिया था। और डर और भय के कारण हम सबको लग रहा था कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट हो। और मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्णय लिया और सारे सिविल हॉस्पिटल से लेकर सारे जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल और जहाँ जहाँ भी अति आवश्यक थे वहाँ सब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की शुरुआत हुई। हमको भी संत हृदयराम नगर में हमने इसकी मांग की थी कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत है, पर भगवान ना करे हमको ज़रूरत पड़े, पर फिर भी सतर्कता सावधानी के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना आवश्यक है। तो आज हमने उस ऑक्सीजन प्लांट का माननीय मंत्री प्रभुराम चौधरी जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन कराया गया है। हम उम्मीद करते हैं सारा शहर स्वस्थ रहे, सारा प्रदेश स्वस्थ रहे, फिर भी आवश्यकता पड़े तो ये ऑक्सीजन प्लांट उसमें मददगार है। ये मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन के प्लांट जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 190 प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, अभी तक 88 प्लांट अभी तक बनकर तैयार हो गए हैं, बाकी पर भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसी कड़ी में आज बैरागढ़ में भी जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था उसका आज शुभारंभ किया है।